हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो देखने वाले हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 20 जून से पेपर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, उनमें हम पीएचडी के लिए जो क्राइटेरिया है, क्या क्या क्राइटेरिया है। तो फ्रेंड्स, जो कॉमन क्राइटेरिया है वो है हमारे पास जो एमफिल और पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी है, उन्होंने पास मिनिमम डिग्री विद मिनिमम मार्क्स ऑफ 50%। और फ्रेंड्स, एसटी एसटी के लिए ये जो परसेंट है ये 50% है। और इसी तरह पीएचडी के लिए जैसे ये पास मास्टर डिग्री एमफिल डिग्री विद मिनिमम 55%, ये पीएचडी के लिए क्राइटेरिया है। या तो पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए या एमफिल डिग्री होनी चाहिए, एंट्रेंस पेपर में उन्हें बैठना होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये सी कुछ क्राइटेरिया है। और एससी एसटी के लिए क्राइटेरिया जो हो जाते हैं, ये क्राइटेरिया 55% की जगह 50% हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और जैसे और भी कुछ अब फ्रेंड्स, एडमिशन गाइडलाइंस देखते हैं। तो एडमिशन गाइडलाइंस की क्या करते हैं, पहले हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देखना होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जाना होगा, हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ में हमें देखना होगा कि उसकी सीट अवेलेबिलिटी एंड डिस्प्ले क्या है, मतलब सीट कितनी अवेलेबल है और कितनी अवेलेबल नहीं है, ये देख लेंगे। उसके बाद हमें अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि किसी की भी मास्टर डिग्री अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री में हमारे पास 55% होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 5% ऑफ होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आर रिलैक्सेशन ऑफ 5% फ्रॉम 55% टू 50% और इक्वल रिलेशन एंड ग्रेड। और जैसे ग्रेड को किस तरह चेंज करते हैं, फिर ग्रेड को चेंज करने के लिए हर यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी में होता है वहाँ एक अलग रूल होता है, वो उस यूनिवर्सिटी के बेस पे हम ग्रेड चेंज करते हैं। उसके बाद एमफिल पीएचडी का एडमिशन प्रोसेस क्या है। फ्रेंड्स, एमफिल पीएचडी का जो एडमिशन प्रोसेस है उसके लिए हम सिंपली इसमें जो दे रखा है, हमें इंटरेस्ट पेपर में बैठना होगा और एक इंटरव्यू होगा, मतलब इंटरेस्ट पेपर तो होगा ही होगा और इंटरव्यू होगा। और अगर आपके पास नेट है, गेट है, जेआरएफ है, कोई इक्विवेलेंस डिग्री है, नेट हो, गेट, नेट, जेआरएफ हो, गेट हो, कुछ नेट नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, नेट जेआरएफ होना चाहिए, गेट हो या फिर कोई इक्विवेलेंट डिग्री उसके अकॉर्डिंग, जैसे एसआरएफ हो, उस तरह से कोई डिग्री होगी तो वो डिग्री वाले इसमें बैठ सकते हैं। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वो डिग्री हमें दिखा दी जाएंगी, कौन कौन सी डिग्री हैं जो डायरेक्टली बैठ सकते हैं। गेट वाले भी बैठ सकते हैं इसमें, और जो गेट वाले होंगे फ्रेंड्स उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, उनका डायरेक्टली इंटरव्यू होगा। तो जैसे नेट जेआरएफ वालों के लिए प्रॉफिट है कि अगर आपके पास नेट और जेआरएफ है तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठ सकते हैं, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यही फ्रेंड्स, यहाँ रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि जैसे हमारे पास जो एंट्रेंस पेपर है उसमें 50% मार्क्स आने चाहिए, अगर वो एससी और एसटी का पर्सन है तो उसको 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे भी मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जैसे दे रखा है कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ, यानी यूजीसी नेट में जेआरएफ भी होना चाहिए, नेट से कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास नेट है तो आप कोई इंटरव्यू में एग्ज़ाम में बैठना ही होगा, बट अगर आपके पास जेआरएफ है तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो। यूजीसी सीएसआईआर नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ, आईएसएमआर जेआरएफ, डीएसटी, इंस्पायर एंड एयूएस नेट और इक्विवेलेंट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, जैसे कि गेट हो, डीआरसी हो, टीचर फेलोशिप होल्डर, ये जो हैं ये डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बैठ सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर टीचर्स जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में है वो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बैठ सकते हैं, ये कुछ स्पेशल लोग हैं जो इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट बैठ सकते हैं, स्पेशल पर्सन्स कह सकते हैं इनको। तो इस तरह से फ्रेंड्स, यहाँ ऐसी क्राइटेरिया और ये पढ़ सकते हो आप। और सिलेबस क्या है, सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस है एंट्रेंस पेपर का, उसमें 50% जो होंगे वो हमारे पास रिसर्च एप्टीट्यूड मेथडोलॉजी एंड 50% जो मार्क्स होंगे वो होंगे आपके जो क्वेश्चन सब्जेक्ट है उसके बेस पे। और जो सिलेबस है फॉर रिटन एग्जामिनेशन और एम फिल और पी एच डी प्रोग्राम इज गिवन ऑन द रेस्पेक्टिव डिटरमाइंड, जो कि जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट में हो तो उसके वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो।